अच्छा तो गाइस सामान हमने सारा रख लिया था, एक थोड़ा ब्रेक लगाई है जैसे मूछ और कुर्बाने का जानवर है। मैं मिल गए मेरे इंस्टा के फॉलोअर्स में से, तो कह रहे हैं कि मुझे भी लाजमी अपने ब्लॉग हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आप लोग कह रहे होंगे यार शर्ट वही, हाँ तो शर्ट इसलिए वही के डे वही है, व्लॉग नेक्स्ट है। अब आप कह रहे हो यार एक दिन में दो दो व्लॉग, इसकी रीज़न ये है कि इसका नाम कि पहली बात तो आपने मेरी सारी वीडियो ना पूरी अच्छी तरह सुननी है। मैं गया हुआ था सुबह शाम 6 बजे का गाड़ी का आर एक्स्ट्रा काम करवाने, बहुत ही खपा हूँ, बहुत ही इसमें एक मसला था जो मैं पता नहीं चला था क्या मसला है। वो सारा मैंने काम कराया तो तकरीबन 3:30 बजे मैं घर आया हूँ, 3:30 बजे घर आया हूँ तो भाई सारा घर वालों ने पैकिंग की हुई, तैयार श्यार बैठे हुए। हमारा प्लान तो खैर था जाने का पहले से, मैं भी आपसे झूठ ही मिलूंगा, मुझसे लोगों की तरह झूठ ही बोला जाता कि हमारा सडन प्लान बना ये हुआ है वो, सडन प्लान बना है मगर इस तरह बना है कि हमारा प्लान था कल, मतलब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के वक्त निकलना, मगर मैं तो शाम का गया था काम कराने, तो सीन इस तरह हो कि हमारा प्लान बन गया अचानक आज निकलने का, क्योंकि मुझे नहीं पता घर वालों की क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई। अब मैं थका हारा बुरी हालत में आया हूँ, मैंने आके बेचारे ने 4 बजे सुबह मैंने दोपहर में नाश्ता किया था, नाश्ता करके मैं गया हुआ था और मैं आया हूँ खड़ा के तो कहते जी चलो जी फ्रेश तो जाना है जाना जाना, मैंने कहा यार सोने तो सुबह 6 बजे निकल जाएंगे, 7 बजे कहते नहीं जी नहीं अभी निकलना है, 4:30 बजे निकलना है, 3:30 बजे मैं घर आया हूँ, 4 बजे टाइम हो रहा है जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अब व्लॉग सारे रेडी बैठे, मैं ऐसे कमरे में व्लॉग बनाने आए हैं, व्लॉग बना के तो ये मैंने अपने पैसे रखे हुए थोड़े से, मैंने कहा साथ लिए तो वहाँ पे कोई चीज़ पसंद या कोई सेविंग कोई चीज़ चूज़ आती है काम वो कर लेते हैं, तो अब हम चलते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं, हम जा रहे हैं वो आपको मैं साथ साथ बताऊँगी कि हम किधर जा रहे हैं, वो आपको सरप्राइज देंगे। कोशिश मैं पूरी करूँगा कि व्लॉग बनाऊँ, काफ़ी लंबा टूर होने वाला है ये, व्लॉगिंग की भी नया कॉन्टेंट अच्छा से अच्छा है आपने लाजमी देखना है। मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ, वालिद साहब मेरे अब्बा मोहतरम वालिद मोहतरम जो है उन्होंने मेरे साथ होना है, उनको इन चीज़ों से नफरत है व्लॉगिंग करते, कहते हैं भाई सादी जिंदगी गुजारो काम शाम करो ये वो, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि व्लॉग बनाता जाऊँ या आप लोगों को दिखाता जाऊँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आगे निकलते हैं क्योंकि 4:10 हो रहे हैं, मैं 4:10 हो रहे हैं, 4:30 बजे मैंने निकलना, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो अब आगे हम फिर आपको वहाँ जगह पर जाके जहाँ जहाँ स्टॉप पर रुकूँगा वहाँ आपको दिखाऊँगा, कि पता है यार मैं अकेला व्लॉगिंग करने वाला हूँ, मैं लोगों के बीच में नहीं लाता, मतलब अकेला भाई हूँ तो फिर मैं मतलब कि जो भी होगा खुद ही करूँगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह, अब आगे आपको जाके मिलते हैं। अभी तो खैर गाड़ी में सामान वगैरह रखना है, आपको पता है जब एक ही एक होता है सामान सारा काम उसने करना है, वो आपको दिखाते हैं सामान वगैरह रख के, आपको मिलते हैं अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो गाइस सामान हमने सारा रख लिया था, 1, 2, 3, 4 बैग आपको सामान से अंदाज़ा लगा लो कि हमारा कितना लंबा ट्रिप होने वाला है। अभी 4 बैग थे, गाड़ी में जगह नहीं थी इसलिए हमें एक बैग निकालना पड़ा, इसके नीचे शॉपर्स भी हैं और ये तो ग्रैंडी खड़ी है, इसके भी हमने पानी वगैरह तेल शेल वगैरह वो तो खैर बदलवाया था, फिर भी हमने चेक कर लिया गाड़ी गंदी हो रही है, वो कहीं से किसी स्टॉप पर सर्विस स्टेशन पर आगे जाके धुलवा लेंगे। तो अब इंशाल्लाह चलते हैं, अल्लाह का नाम लेके इसको करें बंद, का हवाएं चेक करा ली थी, मौसम देखिए आप कितना प्यारा हो रहा है, ये पेट्रोल पम्प पे हम आए डूबरा देने, तो अब हमने हवाएं चेक करा ली, इसके बाद हम यहाँ से निकले। नी जट्टी चुम चुम हिक नाले लाई फिरदी ओ लगता है वैलियां नु साथ जे बनाऊ कुड़ी साना जह जट पीछे लाई फिरदी ओ लगता है वैलियां नु साथ जे बनाऊ गाइस। तो हम चक्री पहुंच चुके हैं, चक्री पे हमने लगाई है ब्रेक, तो यहाँ तो थोड़ा सा फ्रेश होने के फैमिली के अंदर जाना, तो अंदर ही है वॉशरूम में, तो अब यहाँ से हम आगे जहाँ पे भी जाएंगे जिधर भी जाएंगे आपको दिखाते हुए आपको लेके जाएंगे। रोड डलवा रहे हैं और वो देखते हैं वो चक्री है उधर यहाँ पे हमने स्टे किया था चक्री पे। निशानी जट्टी चुम चुम हिक नाले लाई फिरदी ओ लगता है वैलियां नु साथ जे बनाऊ कुड़ी साना जह जट पीछे लाई फिरदी ओ लगता है वैलियां नु साथ जे बनाऊ कुड़ी साना
अगर हम नलान पहुंच गए थे तो हमने रूम देखे लिए फैमिली के साथ आए हैं। तो ये रूम है, ये आप देख सकते हैं, और सेकंड ये लाउंज वगैरह कह लें, और ये एक ही रूम है, ये डबल बेड और सिंगल, ये भी ओके। और ये वॉशरूम है इसका, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाहर क्या है, हाँ सबको यू भी दिखाते हैं, ये देखें नाइस। ये रूम है डबल बेड, ये है, और एक ही सिंगल बेड है, और ये डबल बेड लाउंज है। ये बाहर से तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा बाहर से। तो गाइस फाइनली हम नारायणगंज पहुंच गए थे, हमने होटल भी ले लिया था। आपने जैसे पिछली वीडियोस में देखा होगा कि होटल कौन सा लिया है, कौन सा नहीं, फेरी मेडोज़ हमने होटल लिया है। तो सुबह के निकले हुए थे यार, अब हम पहुंचे हैं, बीच में बारिश भी बड़ी थी और कुछ गाड़ी भी थोड़ी ख़राब हो गई थी मेरी, लुक पे ना जाना, बियर्ड वगैरह काफ़ी बड़ी हुई क्योंकि पता कुर्बानी होनी है, नाखून वगैरह भी नहीं काटे क्योंकि कुर्बानी होनी होती है, उसके बाद फिर ईद के फर्स्ट डे के बाद जब कुर्बानी होगी फिर कटवाएंगे। तो हम फ़िलहाल तो रेडी शेडी होके चेंज वगैरह करके अब हम सोच रहे हैं कि कहीं बाहर जाएं, खाना खुना खा लें, क्योंकि खाना वगैरह नहीं खाया। तो अब आपको, बारिश हो रही है, बारिश रुकती है फिर हम बाहर चलते हैं, और अगर बारिश ना रुकी तो फिर हम सो जाएंगे, यही हो सकता है। तो अगर हम बाहर गए तो फिर आपको साथ लेके चलेंगे, फ़िलहाल आपको होटल का थोड़ा सा गेड़ा करवाते हैं। तो मिलते हैं होटल का गेड़ा कराते हैं। इससे मिले कुर्बानी का जानवर है, वो भी कुर्बानी का जानवर है, देखो अभी देखो ये होटल है। एक भाई हमें मिल गए मेरे इंस्टा के फॉलोअर्स में से, तो कह रहे हैं कि मुझे भी लाजमी अपने व्लॉग में लो। Hello. तो कह दो मेरे अकाउंट को, मेरे इस यूट्यूब के अकाउंट को सब्सक्राइब करें। गाइस प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल रेलेवेंट गेमर 545YT को भी जरूर सब्सक्राइब करना। इतना लंबा नाम मुझे लिख के दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चले गाइस, भूल जाएंगे। थैंक यू, ओके ब्रो, बाय। हाँ रोड पे हैं अभी, देख सकते हैं हम कॉफी भी ले रहे हैं।